हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? तो जी नमस्कार आप सबको। और अभी बज गया एक से ज़्यादा, दो देखो अच्छे आगे। और ये काम हर महिला का हर जगह होता है, जितने भी कपड़े गंदे हो रहे थे सब धो के सुखा दिए इन्होंने। और अभी रेडी हैं कहीं पे जाने के लिए, थोड़ा बहुत जो है घूम के आएंगे भाई, क्योंकि कल शाम को आ गए थे और कल शाम से ही कमरे में बंद है। अब निकले, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत तेज और ठंडी चल रही थी, तो इसलिए बच्चे भी अभी निकले हैं, रेडी हैं सब। और जहाँ भी जाएंगे भाई वो आगे ही पता चलेगा, अभी तो कुछ फिक्स नहीं है, बस चल दिए हैं। तो फिलहाल भाई यात्रा हो गई है शुरू आज की, और ये हुई है 2:15 बजे। आज लेट लतीफ से तो है ही, और वो है इसलिए भाई ज़्यादा दूर नहीं जाना है, जो भी निकट पैलेस बढ़िया होगा वहाँ पे हम घूम के आ जाएंगे वापस, थोड़े से हाथ पैर खुल जाएंगे। और थोड़ा सा इस गाड़ी के भी, परसों से आई थी भाई, खड़ी है। तो कुछ बच्चे तो बल्कि कह रहे थे हम यहीं रुके हैं, पर इन्हें कैसे छोड़ देते, तो बहुत उन्मादी हो रहे आ गए यहाँ से भाई, खुल जाते तो पूरे गैंगस्टर वाली लड़ाई छिड़ जाए अगर इन्हें दो तीन को एक जगह छोड़ दें। और पीछे अभी शांत बैठे हैं, और शांति का इनकी दूसरा कारण भी है भाई, यहाँ पे फौजी आदमी बैठे आज हमारे साथ में, एक्शन ले सकते हैं वो दंगाइयों पे। किट्टू को जानबूझ के छेड़ो जाएंगे, किट्टू दिक्कत तो नहीं, और जो कुछ दिक्कत होगी इनको उसका कारण किट्टू है। इस समय तो किट्टू बोल ही नहीं सकता, बोल ही नहीं रहा वो तो एकदम शांत बैठा, उससे तो जरा सी जगह दे दिया तो उसमें एडजस्ट कर लेगा, बोल नहीं सकता, आवाज नहीं आ रही, जैसे जेब में रुमाल फंस जाए वो काम इसका। और आज कह रहा था उस तो मम्मी मुझे तो लाना ही चाहिए नहीं था बिल्कुल भी, मगर भाई तू केला क्या करता, कहने में तो अंदर ही अंदर रह लेता रहा, अंदर ही अंदर रह लेता। तू इंतजार करो जब तक किस टाइम आवेंगे, देखो मुंह फुलाओ बैठा, इसे घूमने को आज भी इसे फिकर नहीं हो रहा कि पैदल ही घुमावे तुम्हें। नहीं बेटा आज पैदल की यात्रा है तो, पर वह थोड़ी है, थोड़ी नहीं थोड़ी है, इससे थोड़ी तो है नहीं जो कल थी। चलो कोई बात नहीं, पर इन्हें कर देगी आज भी, कर देंगे पैदल चल के, इससे तो कमी होगी पैदल यात्रा। 3 किलोमीटर है कल, 3 की कहाँ थी कमी थी कल तो, अरे चढ़ जाएंगे, कोई केले खा के कोई स्टिंग पी के, बच्चे ऐसे नहीं है। किट्टू ने कुछ भी नहीं खाया, किट्टू ने नहीं खाया कुछ भी, आ जा दही के चक्कर में इसने नहीं पिया, ये भी तो ऐसा ही है, खाना ना जरा सी खिचड़ी खा लेती है, स्टिंग पी के तो अलमान बन जाएगी। किट्टू स्टिंग से कुछ नहीं होता, खाली स्टिंग वैसी है। कैसी है, मजेदार? नहीं फ्लैश बन जाते, नहीं पीनी चाहिए इन्हें, उसकी जगह फ्रूटी पी लियो भाई।
गाइस हमारे साथ क्या हुआ, ये रास्ता देखो कैसा उबड़ खाबड़ और हमारे आधे रास्ते में आ गए, अब बोल रहे उल्टे चलो। टाइम क्यों खराब करने लग रहे तुम, चलो ले जाओ भैया। मैं तो चलना तो यार मैंने कुछ नहीं, मुझे बहुत रिस्क है यहां, बहुत ज्यादा रिस्क है देखो। अरे रोड कैसी हो रही है, मैं तो पहली बार आना इस रोड को, ये और डरा लग रहे। हाँ सही कह रहे, गाड़ी को रास्ते में लग चल। हमारे साथ हो गया पोपट क्योंकि आगे है ना बहुत ज्यादा रिस्क का रास्ता है और मन नहीं मान रहा गाड़ी ले जाने में, क्योंकि गाड़ी में वैसे ही ऑलरेडी चार जने हैं और उधर से आते हुए लेट हो जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, इसलिए बोल रहे कि वापस चलो। पता नहीं क्या करेंगे, वापस चलेंगे फिर गाड़ी में से उतरने का। चले जाएंगे फिर तो आई नहीं जाएंगे, हो गई बल्ले बल्ले हो गया। जय हनुमान तो डिसाइड हो गया, हम आगे नहीं जा रहे क्योंकि रिस्क है बहुत, थोड़ा हम हो जाए बच्चे साथ में है ना। चलो चलो तो वापस चल रहे, चलो फिर वापस चलेंगे। घर से आए थे पूरी तैयारी के साथ में और बीच रास्ते में सबको डर लगने लगा और फिर जाने का ऊपर मन नहीं कर रहा वहाँ तक, तो इसलिए हमने अपनी गाड़ी का मुंह पीछे की साइड ऐसे ही घुमा लिया जिस साइड से हम लोग आए थे। तो चलो भाई आ जाओ फिर चलेंगे उल्टे, और एक वाटरफॉल है वहाँ पे बच्चों को वो दिखाएंगे घुमाएंगे, और सामने कितने सुंदर नजारा, ये हसी वादिया, ये खुला आसमान ये देखिए। तो बच्चे जो है अभी गाड़ी में बैठेंगे, अभी जो है हम लोग चलो आ जाओ। डर लग गया क्या तुम्हें, पर ठंडा मौसम होता जा रहा ऊपर देखो, डर की बात इसलिए पक्की है ऊपर बर्फ है, रास्ता कच्चा, गाड़ी में एक आध सवारी जो है हमारी ज्यादा है। हाँ और बच्चे ज्यादा हैं है ना, सारे बच्चे हैं, तो इस वजह से हमने बच्चों की वजह से अपना प्रोग्राम जो है ऐसा रास्ता देख के बदल लिया कि भाई चलो वापसी चलते हैं, इन्हें एक दो वाटरफॉल जो है वो दिखा देंगे। बच्चों का वैसे मूड खराब हो गया। हाँ पर उन्हें क्या पता, हाँ उन्हें तो ये पता है कि हमें घुमा नहीं रहे। सो गाइस सुंदर से झरने के पास में हम लोग पहुँच गए हैं। गढ़वाली बोलते हो आप लोग, हिंदी बोलते हो? अच्छा जी बहुत अच्छी बात है फिर तो। तो यहाँ पर दो लड़कियाँ थी, छोटी छोटी बच्चियाँ, और गुड्डू के पापा कह रहे कि देख चिंकी तेरी फ्रेंड, बहुत ही सुंदर नज़ारा है वहाँ के भाई, और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, अब की बार इनका सुंदर नज़ारा, ये कैमरे में ऐसे लग रहे छोटे छोटे हैं नहीं तो बहुत हाइट तक है। पानी की आवाज़ सह सह की आवाज़, ये देखो कितना सुंदर झरना है, बहुत ही सुंदर, ये देखो ये रहा, और ये कैमरे में ऐसा लग रहा छोटा सा, बहुत ऊंचाई पे है नहीं तो। तो भाई यहाँ पे हम बिल्कुल घाटी के बीच में हैं, बहुत सुंदर सी घाटी है ये, और हमें जाना तो था आगे, लेकिन एक तो टाइम हो गया गैर टाइम, मतलब भाई लेट हो गए थे हम पहले ही, और रास्ता था आगे खराब, और भाई हमारी जो गाड़ी है मेरे में दिखे हमें लगा डर बच्चों हाँ। को ले जाते हुए तो हम आगे जी नहीं मानना बिल्कुल भी, मग भाई उधर से हो जाएंगे लेट सवेर हम, और अंधेरा भी हो जाएगा, और बच्चे हमारे साथ कई सारे हैं, मगर इन्हें थोड़ा ही एडवेंचर करवाएं, ज़्यादा खतरनाक वाला नहीं। हाँ। जैसा कि हमने कल करवाया था वो ठीक था, लेकिन आज जो है बहुत ही रास्ता हमें खतरनाक सा लगा, कच्चा रास्ता था बिल्कुल, जो 12-13 किलोमीटर का था, और बहुत चढ़ाई वाला और बिना रेलिंग वाला, खाई के बीच बीच। तो भाई यहाँ पे एक झरना बह रहा है देखो, बहुत ऊंचे से आ रहा है वाटरफॉल, अभी यहाँ बच्चों को ये दिखा दें, ये देखो आप पीछे देख रहे हैं काफ़ी ऊँचाई से आ रहा है, ये पहाड़ है एक बहुत उच्चा सा है, ये देखो गाइस, और ये है घाटी यहाँ, तो ये वाटरफॉल है भाई बहुत बड़ा सा, और यहाँ बहुत ठंडी हवा भी लग रही है, एकदम ठंड लग रही है वैसे तो, लेकिन बालक बच्चे हाँ भाई खाना ठीक लग रहा है अच्छा है, और आगे जाते हुए डर लग रहा था भाई मुझे, मैं इसलिए नहीं लेके गया आप सबको है, मेरा जी नहीं मानना, आप यहीं देख लो यहाँ भी बहुत सुंदर प्रकृति है, और बच्चे फोटो सेशन कर ही रहे हैं, कोई कहीं पे को कोई कहीं पे को, और यहीं पे थोड़ा बहुत घूम फिर लेंगे भाई। और ये बिल्कुल बहुत ऊंची पहाड़ियों के बीच में है ये प्लेस, यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं अभी,
और ये जा रहा है वाटरफॉल का पानी नीचे की तरफ। ये देखो वैसे ही रोड पे चिंकी कह रही है पापा जी यहाँ उतरो का, मगर वहीं पर रहो ऊपर ही, ज्यादा उतरने चढ़ने का रिस्क मतलब। तो गाइस ये दोनों खड़े हैं यहाँ पर और झरना देख रहे हैं। कैसा लग रहा भाई झरना देखने में है? अच्छा लग रहा, बोर से हो रहे तुम तो, क्या बात होगी है? क्या बात होगी भाई, ठंड लग रही ना यहाँ, ठंड लग रही ना, ठंड महसूस हो रही, मगर तुम देख लो फिर आराम से गाड़ी में बैठ के चलेंगे। आनंद लेते हैं, बच्चों को कुछ स्नैक्स दिलवाए थे और यहाँ पे एक सुंदर सा झरना है। देखो ज़्यादा बड़ेंगे तो, ज़्यादा बड़ा तो नहीं कह सकते, है तो छोटा है लेकिन बहुत सुंदर व्यू है एकदम देखने लायक पहाड़ियों के बीच। ठंड भी लग रही और ठंडा मौसम लग रहा, जहाँ जाने वाले थे वहाँ से वापसी हो लिए क्योंकि बच्चे साथ में हमारे, तो थोड़ा सा रास्ता वैसा था ऊबड़ खाबड़। खूबसूरत सा ये नज़ारा हमने अच्छे से देख लिया है, अभी चलते हैं गाड़ी की तरफ। चिंकी हो गई थोड़ी सी नाराज़ क्योंकि उसकी गुड्डू ने रील और भी कोई भी फ़ोटो नहीं क्लिक किया, फिर मैं उसे लेके गई। और ये देखो ये रोड से कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर, और बच्चे वहाँ पर ये देखो आनंद ले रहे घूम के चारों तरफ। ये है रास्ता और ये सिंगल रोड है जिस पर हमने जो है चलना है। अभी सूर्यास्त हो चुका है, चलो चला तो जब बच्चों को बिठाऊ गाड़ी में। हाँ ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा है, हाँ। यहाँ के मौसम के अनुकूल नहीं है बालक, तो भाई इन्हें हम ले कर चलते हैं बस ठंड होने से पहले पहले है। और ये टूर हमारा जो है यहाँ तक का ही था आज। मौसी जी बार बार गुस्सा ना हो प्लीज, ऐसा मत करो, बिल्कुल एकदम खुश रहो। काना को टोपी मिल गई, टोपी नहीं दी थी मन ने कोई से जाग तो भी देख इतना अपने आप ही खोज निकाल ली। तो गाइज अभी हम लोगों की हो गई है वाटरफॉल के पास से वापसी, अब चलते हैं जहाँ पर हमारा आवास निवास है डेस्टिनेशन पे। जड्डा लगन लगा देखो आराम से बैठे बड़ी तरफ बैठेंगे, डर गई थी पहले हम मेरा नहीं तो लगेंगे तो साइड में तो कोई बात नहीं, कुत्ते देख रहे हैं, कुत्ते देख रहे हैं तुम यहाँ से, मम्मी ये देख रहे बेर 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 बेर। अच्छा यहाँ का वो देख लो कैसा है लोकेशन।
तो गाइस फाइनली घर पहुंच गए और हम कैंप वगैरह में भी गए घूमने मौसा जी के, लेकिन वहाँ वीडियो वगैरह अलाउ नहीं था तो बना नहीं पाए। अभी पहुंच गए यहाँ, ले जाओ आओ सारा सामान लेके लेके हम कैंटीन से। अभी चलो अंदर चलेंगे, और ठंड लग रही बहुत ज़्यादा, ठंडी ठंडी हवा चल रही। कुछ ऐसा व्यू है रात का यहाँ देखो, अभी 6:30 बज रहे हैं लगभग, और पहुंच गए सामान उतारे गाड़ी में। चलो हम तब तक चलते हैं। तो गाइज अभी रूम में पहुंच गए सब लोग, अभी फ्रेश वगैरह होंगे और फिर आराम करेंगे। और आज हमारा ये लास्ट डे था जिसमें हमने फुल इंजॉय किया। आज भी जहाँ जाना था वहाँ तो जा नहीं पाए, लेकिन फिर भी हमने रास्ते में बहुत इंजॉय किया।